हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अपने चैनल कुकिंग फूड आइडिया में आप सबका वेलकम करती हूँ। दोस्तों, अभी मैं आप सबके लिए आम के बुलबुले बनाने जा रही हूँ। ये देखो दोस्तों, मैंने आम को, जो आम बहुत ज़्यादा पक जाते हैं, जिसको आप अमावट भी बना सकते हो, और मैंने आम के बुलबुले बनाए हैं। ये बहुत टेस्टी और खाने में बहुत मज़ा आता है दोस्तों। इसके लिए मैंने आपके पास कितनी आप क्वांटिटी में बनाना चाहते हो, मैंने एक दो आम ले लिया है और इसके मसल कर इसके जूस निकाल लिए, ठीक है। और हमारी वीडियो दोस्तों बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ। ये देखो दोस्तों, मैंने पहले से आम का जूस और जितनी बनाना चाहते हो बराबर मात्रा में गेहूं के आटे, अगर दो चम्मच गेहूं का आटा तो दो चम्मच मैदा लिया है और दो चम्मच ही सूजी लिया है, और इसमें मैंने मूंगफली को फ्राई करने करके उसके दाने को दरदरा मिक्सी में चला लिया है। देखो, दिखाती हूँ दोस्तों, दिखाती हूँ। देखो, ये मैंने मूंगफली को दरदरा मिक्सी में चला लिया है, और थोड़ी चीनी भी मिक्स किया है, और उसके अंदर थोड़ी, क्योंकि बुलबुले जो बनते हैं दोस्तों वो खमीर के आटे से बनते हैं, मतलब सारे जो भी आइटम है सबको मिक्स करके आप रात में छोड़ दो और सुबह बनाओ, तो मैंने खमीर तो छोड़ा नहीं था, इसलिए मैंने दो चम्मच, एक चम्मच जितनी क्वांटिटी हो उसके हिसाब से दही मिक्स किया। ओके, ये देख लो दोस्तों, आम का जूस इस तरह से आपको निकालना है, और इसी के अंदर ये सारे आइटम, चीनी, मैदा, आटा, सूजी और मूंगफली के दाने को फ्राई करके, सूखा ही फ्राई करना है दोस्तों, और उसको फिर उसके छिलके को मसल कर निकाल लेना है और उसे दरदरा कर लेना है मिक्सी में, ठीक है। और एक चुटकी नमक भी डालना है, और सौंफ जरूरी है दोस्तों। अगर आपकी बैटर अगर मान लिया बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है तो आप थोड़ी दूध मिक्स कर सकते हो, पानी मत मिक्स करना। ओके, अब इसे मैं कैसे बनाती हूँ दोस्तों, मैं आपके लिए ही, मैंने ताकि वीडियो लंबी ना हो, अब आप मेरे वीडियो को फुल वॉच करो। देखो दोस्तों कितनी फूल गई है, मैंने रिफाइंड को आप पहले से ही, मैंने, आप चाहो तो घी में भी बना सकते हो, और रिफाइंड से मैं बना रही हूँ, आप चाहो तो घी से भी बना सकते हो, और सरसों तेल में नहीं बनाना है दोस्तों, क्योंकि सरसों तेल की इससे टेस्ट थोड़ी बिगड़ जाती है। तो देखो दोस्तों कितनी फूली फूली है, और मैंने इसे कम से कम 3 से 4 घंटे पहले मैंने घोल कर रखा है, रात भर नहीं रखा है, तो 3 से 4 घंटे पहले मैंने इस बैटर को रेडी करके रखा है दोस्तों। आप देखो कितने फूले फूले आपको दिख रही होगी, देखो दोस्तों कितने फूले फूले हैं हमारे आम बुलबुले। तो मैं आपसे
कहूँगी दोस्तों आप भी इस आम गुलगुले को जरूर एक बार बनाना, और बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि इसमें मैंगो का टेस्ट बहुत अच्छी लगती है। आप बच्चों को बनाकर टिफिन में भी दे सकते हो दोस्तों, और अपने मेहमान को भी इस नई रेसिपी से वेलकम कर सकते हो। देखो दोस्तों, देखो एक इतनी फूली फूली बनी है। आप चाहो तो इसे चम्मच के सहारे भी, लेकिन एक गोल गोल ही बननी चाहिए। देखो मैंने एक किया और अंगूठे को पीछे लिया और तब इस बैटर को डाला, इससे गुलगुले गोल गोल ही बनते हैं, ठीक है। और गुलगुले गोल ही बनते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपसे, और एक गैस मीडियम पे ही रहनी चाहिए। पहले आप रिफाइन तेल को जो भी डालते हो उसे आप फुल गैस पे गर्म कर लो, उसके बाद डालते समय इसे मीडियम फ्लेम में बनाना है। ओके, मैं दिखाती हूँ दोस्तों। एक देखो हमारे गुलगुले इतने प्यारे बने हैं, और सबसे ज़्यादा तो दोस्तों इसे खाने में बहुत ही मज़ा आता है। अगर आपके पास मैदा नहीं हो तो आप अरारोट भी इसमें डाल सकते हो, उससे भी खस्ता बनती है, कुरकुरी बनती है, ठीक है। और मैंने तो बराबर मात्रा में ही सूजी आटा और मैदा को ऐड किया है, ठीक है। आप चाहो आपके पास क्वांटिटी जितनी हो उसके हिसाब से आप ये सारे चीनी भी इसमें ऐड करनी है, और मूंगफली के दाने को दरदरा डालना है भूनकर, और सौंफ, और एक पिंच इसमें नमक, मैंने मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं डाला है। और इसे आप मीडियम फ्लेम पे बनाओ, और चीनी भी थोड़ी डालनी है, आपके क्वांटिटी पे डिपेंड करती है दोस्तों कि आपकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। और मैं इसके बाद जो रेसिपी बनाऊंगी आम पापड़, लोग घर के स्टाइल में जो बनाते थे, हमारी मम्मी जो बनाती थी, उसी तरह से मैं भी आम पापड़ बनाऊंगी। देखो दोस्तों, एक गुलगुले आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना, और बना कर खाना दोस्तों, और मुझे ज़रूर बताना कैसी लगी हमारी आम गुलगुले। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। ओके, बाय बाय।